हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती के बारे में, यानी इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी फॉर्म डेट यानी फॉर्म कब शुरू होंगे और इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के आखिर तक डटे रहिएगा और हम लोग देखने वाले हैं इसकी संपूर्ण जानकारी, ठीक है। वैसे इसमें अलग अलग पदों पर दोस्तों भर्तियां हैं, पर फिर भी हम लोग इसमें पीडीएफ के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, ये जो देखिएगा दोस्तों, कार्मिक विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस अधिसूचना के तहत हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें देखिए, एक तो पशुधन सहायक की भर्ती है, दूसरी देखिएगा यहाँ पे क्या बता रखा है, दूसरी जो दे रखी है वो भर्ती है पशुधन परिचर, और तीसरी जो भर्ती है वो है पशु परिचर, ठीक है, या फिर पशु परिचारक कह लीजिएगा इसको। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। देखिए यहाँ पे हम बात करें, ये 5/6/2023 का नोटिफिकेशन है, कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया। इसमें देखिए, पशुधन सहायक में बात करें तो 95% सीधी भर्ती होगी दोस्तों, और 5% जो है पदोन्नति द्वारा होगी। इसमें हम बात करें तो देखो, एक वर्ष या दो वर्ष का एक तो डिप्लोमा चाहिए होगा, और एक आपकी जो ट्वेल्थ होगी ना, वो या तो भौतिक विज्ञान से हो, या रसायन विज्ञान, या जीव विज्ञान, या कृषि विज्ञान से होनी चाहिए, ठीक है। और पशु धन परिचर की बात करें तो इसमें भी यही लगभग जो है आपकी योग्यता है, या फिर इसमें कम से कम 5 वर्ष, या फिर हाँ 5 वर्ष का इसमें अनुभव होना ज़रूरी है, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, देखिए इसमें जो हमने देखा है कि पशुधन सहायक में आपकी जो योग्यता है, योग्यता के साथ साथ में आपके ये प्रशिक्षण भी ज़रूरी है और अनुभव भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। चलिए अब हम बात करते हैं पशुधन परिचर, जो ये अलग से है, ये 100% पदोन्नति द्वारा इसके पद भरे जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पशु परिचारक के बारे में। देखिए इसमें भी 100% सीधी भर्ती के द्वारा इसकी पदोन्नति की जाएगी। किसी भी मान्यता बोर्ड से सेकेंड या उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए, यानी ओनली 10वीं पास अगर आप हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कोई अलग से कुछ भी नहीं है, जैसे कि क्राइटेरिया मानो कि भाई अनुभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये भी समझिए, इसमें कोई डिप्लोमा की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिएगा कि जलधारी सफाई करता और चरवाहा यानी भेड़ चरवा के पदों का पशुधन परिचर के पदों में विलय कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, पहले जलधारी सफाई करता और चरवाहा हुआ करते थे अलग अलग पदों पर, तो इन सभी का जो है विलय करके एक पोस्ट बनाई गई, जिसका नाम दिया गया है सरकार के द्वारा पशु परिचारक। तो ये आपकी मुख्य रूप से बड़े पदों पर निश्चित ही ये भर्ती आने वाली है, इसको आप लोग ज़रूर जो है देखिएगा अच्छे से। और कुल पदों की बात करें, 6000 के आसपास पद होने वाले दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चरवा भेड़ के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को पशु परिचर के रूप में पुनः पदाभिहित भी किया जाएगा, जो पहले से लगे हुए हैं उनको भी, या जो आगे लगाया जाएगा इसमें अनुभव के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें कि भाई इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, है ना। तो दोस्तों इसके अनुमान है कि अगस्त में इसका फॉर्म भरा जाएगा, अगले महीने में, ऐसी न्यूज़ हमने पढ़ी थी और ऐसा मतलब बार बार देखने को भी आ रहा है। और हम बात करें कि इसकी एग्ज़ाम डेट, तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में हम कह नहीं सकते, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी 2024 के आसपास में इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यहाँ तक तो इसका शेड्यूल बना हुआ है। तो हो सकता है इससे पहले भी या बाद में भी, पर इसका कंफर्म हम पहले कह नहीं सकते, इसका एग्ज़ाम पहले भी करवाया जा सकता है। बट एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो इसके अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे। इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों, देखो सिलेबस की बात करें तो 10th लेवल का सिलेबस, जैसे राजस्थान जी के मान लीजिएगा, या फिर आप यूँ कहिए कि आपने वन रक्षक का पेपर दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर इसका भी पेपर हो सकता है। जैसे रीजनिंग है ना, वन रक्षक में रीजनिंग भी थी, राजस्थान जी के भी था, इंडिया जी के भी था, करेंट भी था, तो इस प्रकार से ऐसा सिलेबस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस जो है आप अभी तो नहीं देख पाएंगे, ये हमारा अनुमान है दोस्तों। और बाकी जो योग्यता थी कार्मिक विभाग के द्वारा, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके बारे में हमने बात करी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
और अगर आप ओनली 10th पास है या फिर 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आयु सीमा की बात करें दोस्तों, अभी हम पहले कह नहीं सकते कि आयु सीमा क्या रहेगी, लेकिन 18 से एबो ही रहेगी, 18 से ऊपर। और जहाँ तक हम बात करें तो हाईएस्ट जो है इसमें 28 से 30 साल तक रह सकती है या ज़्यादा भी, अभी पहले कह नहीं सकते, है ना। और बाकी आरक्षण वगैरह का जो प्रावधान है वो भी रहने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके नोट्स की बात करें दोस्तों, आपके लिए अभी से राजस्थान जीके के जो नोट्स है वो अभी से वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को।